सहनाभवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। आज का विषय हम ले रहे हैं एसेंशियल नीड्स ऑफ ए मैन। मनुष्य के अंदर क्या क्या जरूरत है, क्या क्या आवश्यक चीजें हैं जिसके कारण वो जी सकता है। स्वामी जी इसके बारे में आप बोल रहे हो, ये तो वेरी सिंपल है। बचपन से हम रोटी कपड़ा मकान सुन के आ रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान, शायद पिक्चर भी होगा जरूर रोटी, ये तो है। और देखा जाए तो स्वामी जी प्राय लगभग अब सीनियर सिटीजन्स में आ गए पुरुष के दृष्टि से, और माता लोग तो एक दो है ही है। स्वामी जी हो गया, जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया, कमाई कर लिया, बिजनेस कर लिया, नौकरी कर लिया, हो गया, और क्या जरूरत है। फिर इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हो, क्वेश्चन आएगा। आप क्या पूछेंगे, महीने कुछ नहीं डाल दिया। देखो ये तो सही है कि घर चाहिए मनुष्य को, भगवान ने या आपके परिश्रम, बार बार अगर भगवान बोलेगा तो भगवान ने क्या किया। मैंने अगर ओमेक सिटी में जमीन नहीं खरीदी तो थोड़ी बन सकता स्वामी जी, बनाया हमने, ठीक है आपने परिश्रम किया, नौकरी की या बिजनेस किया, फिर परिवार के लोग, जब मैं सक्षम हो गया विवाह भी करवाया, मैं विवाह किया, जिसको भोग कहते हैं भोग किया, एंजॉय किया, प्लेजर किया, बच्चे भी हुए, उनका लालन पालन भी किया। इट इज एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है एक पिताजी माताजी के नाते। अब बच्चे अच्छे हैं, कोई विदेश में, उसमें क्रेडिट होता है, देखो मेरे बच्चे विदेश में अच्छा है। स्वामी जी वेल सेटल्ड, बहुत बढ़िया, सुंदर है, फिर भी मन के अंदर कहीं रहता है कि कुछ पाया नहीं, फिर भी मन के अंदर कुछ रहता है कि कुछ और कुछ पाना है, फिर भी मन के अंदर रहता है कि कोई खोखला है। क्योंकि जितने सब हमने पाया है वो सब शरीर के दृष्टि से, बॉडी के दृष्टि से, मगर क्या सिर्फ मैं बॉडी हूं? अगर बॉडी के दृष्टि से है सब पाने के बाद, ये जो मेरा मन है ये मन के अंदर खोखला क्यों है? पाया मैंने पैसा, इकट्ठा किया पैसा, बनाया मैंने घर, किया मैंने नौकरी, ये जहां भी जहां देखा जाए तो मेरे शरीर के साथ संबंध है। पत्नी मेरी, पति मेरे, बच्चे मेरे, शरीर। मगर ये जो मन है, जिस मन को स्वामी जी कोई देख नहीं सकता, जो मन थोड़ा सा सूक्ष्म है, फिर इस मन के अंदर क्यों रहता है कुछ पाया नहीं, कुछ बाकी है, कुछ बाकी है? तो इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए। एक कहते हैं पर्सनल लाइफ और एक कहते हैं प्रोफेशनल लाइफ। कभी कभी पर्सनल लाइफ बड़ा ही दयनीय हो जाता है, मेजरेबल होता है, प्रोफेशनल लाइफ बढ़िया, आई एम इंजीनियर, डॉक्टर, बिजनेसमैन, आई एम ए सक्सेसफुल पर्सन। और पर्सनल लाइफ में जब आते हैं थोड़ा कभी दुख लगता है, घर जब आते हैं मासूम चेहरा बन जाता है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारे जीवन में पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ
या होम लाइफ या घर लाइफ का मैनेजमेंट नहीं हुआ है। अब डॉक्टर राज बोल रहे थे ना कि स्वामी जी सिर्फ वेदांत या उपनिषद वो नहीं है, मैनेजमेंट टॉक है। तो क्योंकि आप लोग वेल एस्टेब्लिश इन योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल, पर इसको एक थोड़ा सा मैनेजमेंट के दृष्टि से देखना है, क्या मेरा जीवन मैनेज है। इफ जो मैनेजमेंट है देन लाइफ विल बी मेंट, M-E-N-T, देन इसका मैनेजमेंट होगा। तो हमें जानना चाहिए हमारे जो पर्सनालिटी है ना, जो व्यक्तित्व है, वो तीन अंग है। एक है शरीर जो हमने बताया, और एक है मन, और एक है बुद्धि। हमारे जो जीवन में ये जो तीन अंग है उसमें से शारीरिक ही 99% हो जाता है, और जो मन है उस मन को खुश करने के लिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इंटरटेनमेंट देते हैं। जब कहीं क्लब गए, अब जैसे होली हुआ, थोड़ा सा खेल किया, प्ले किया, मजा किया, तो इंटरटेनमेंट देने से मन को खुश लगती है, अच्छा लगता है, मन खुश हो जाता है। मगर केवल इंटरटेनमेंट में कभी कभी मन भड़कता भी है, मन अशांत भी रहता है, एजिटेशन भी रहता है, उद्वेग भी रहता है। तो ये जो मन उद्वेग एजिटेशन रहता है, कारण क्या है? क्योंकि मन को अच्छी तरह से हमने डिसेक्शन नहीं किया। हमारे ही मन है। जब आप हम टॉक देते हैं स्कूल कॉलेज के बच्चे को कि तो डू हैव एनी माइंड, नहीं, यस यस। अभी मैं अगर आपको भी पूछूं आपके पास मन है, नहीं, यस स्वामी जी मन है। यू हैव माइंड, यस। व्हाट इज माइंड, दैट यू डोंट आस्क स्वामी जी। मन है मगर मन क्या है वो मत पूछो स्वामी जी। नहीं ना, पूछो द डेफिनेशन ऑफ द माइंड स्वामी जी। हाँ, माइंड योर ओन बिजनेस यूज कर रहे हैं, देखिए माइंड योर ओन बिजनेस स्वामी जी। माइंड योर माइंड स्वामी जी, मैं आंसर नहीं दे पाया तो क्या हुआ, डजंट मैटर, डजंट माइंड, डोंट माइंड। देखिए सब हम यूज कर रहे हैं, डोंट माइंड, मैंने देरी कर दिया, प्लीज डॉक्टर राज डोंट माइंड बोलते हैं ना आप। तो डोंट माइंड, माइंड योर ओन बिजनेस। हम मन के बारे में, माय माइंड इज एजिटेटेड, मेरा मन खुश नहीं है, मगर हे मन क्या है? खाली रोटी कपड़ा मकान में मनुष्य जिएगा, मगर वो शास्त्र थोड़ा सा कड़क कर देते हैं, कहते हैं वो पशु समान है, वो बोल देते हैं। कहते अगर वो ऐसे ही जियोगे तो पशु और तुम्हारे में क्या फर्क है? भागवत में, वेद वेदांत में, वेद में, गीता में सब लिखा, एक श्लोक में गा रहा हूँ उससे दिखे क्या बोल रहे हैं। आहार निद्रा भयमय थुनानाम सामान्य में तत् पशु नाम। स्वामी जी समझ में नहीं आया, है ना हमें समझाने के लिए। देखिए आहार, आहार समझ में आया ना, आहार माने क्या है? खाना। हाँ स्वामी जी, इतना आहार, होटल का नाम भी लिखते हैं अतिथि आहार, ऐसे कुछ अलग अलग सब नाम, आहार खाना, आहार निद्रा, निद्रा समझ में आया स्वामी जी? निद्रा माने नींद। हाँ समझना क्या है, हर व्यक्ति चाहता है मगर उठना पड़ता है स्वामी जी। आज संडे है, हाँ थोड़ा सा सोचते हैं कि और थोड़ा सा देरी में देरी सोते, पर क्या होता है आपको उठना ही पड़ेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है, यू लाइक दैट बट यू कैन नॉट रिमेन सो मेनी टाइम्स। कितना घंटा सो गए? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कितना करोगे? कुंभकर्ण को भी लाओ, 6 महीने के बाद उठना ही पड़ेगा, वो भी उठेगा 6 महीने के बाद, क्यों? उसको खाना है। तो मगर चाहते हम स्वामी जी, क्यों चाहते हैं हम नींद? नींद ना आए तो मुश्किल है, नींद ज्यादा आए तो मुश्किल नहीं है, उठना ही पड़ता है। क्यों चाहते हैं? क्योंकि नींद में हमें खुशी लगती है, नींद में हमें अच्छा लगता है, नींद में हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ना पत्नी है, ना पति है, ना बच्चे हैं, ना अभाव है, कुछ नहीं है, मस्ती में खाओ और सो,
तो सो अच्छा लगता है पर ज्यादातर सो नहीं सकते। तो आहार निद्रा दो हो गए, भय 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 कर रहे हैं। जैसे अभी देखो 2 साल तक सबको भय करवा दिया कोविड ने, पेंडेमिक ने, है ना। अभी थोड़ा सा हम लोग रिलैक्स है कि नहीं पहन रहे चल जाता है, फिर भी पहन लेते। फिर अभी चाइना से 30,000 का कुछ हो गया, फिर आने वाला है वेरिएंट, फिर डर लगता है। क्या है? भय, आहार निद्रा भय, मैथुन प्रजनन सेक्स। ये जो 4 फैक्टर है, ये जो 4 एक्टिविटीज है, ये जो 4 चीजें हैं, ये मनुष्य में है, पशु में भी है। आहार निद्राय भय मैथुनानाम सामान्यमेत पशुभिन्नराणाम। ये जो श्लोक गया इतना अर्थ बता दिया। नेक्स्ट देखिए, आहार निद्रा भय मैथुनानाम सामान्यमेत पशुभिन्नराणाम ज्ञानम नराणाम। कोई कोई ज्ञानम नराणाम कहते हैं और कोई के धर्मम नराणाम अधिको विशेष। मनुष्य के अंदर या उसको ज्ञान बोले या धर्म बोले, विशेष है। कभी आपने देखा कि उमेक सिटी में एक दिन एक जितने भी सब कुत्ते हैं तो उसमें से जो लीडर कुत्ता है, जो सन्यासी कुत्ता है, तो वो आकर बोलता है चलो एक सत्संग करेंगे। होता है नहीं, भूखते हैं, जहाँ खाना होता है चले जाते हैं, पर सत्संग नहीं होता है। क्यों? कि वो लोग जानते ही नहीं है। केवल उनका टोटल जीवन ये 4 में है, आहार निद्रा भय मैथुन। इसीलिए तो श्लोक में कहा गया है, ये चाणक्य ने कहा है, प्रसिद्ध श्लोक है। आहार निद्रा भय मैथुनानाम सामान्यमेतत् पशुभिन्नराणाम ज्ञानम ब्रैकेट में धर्मम नराणाम अधिको विशेषः धर्मेण हीनाः ज्ञानेन हीनाः पशुवे समानाः। स्वामी जी थोड़ा लास्ट वाकला समझ में आ रहा है मगर बड़ा कड़क है। क्या बोलते हैं? धर्म के हीन व्यक्ति किसके साथ समान? देखा आप समझदार हो। ज्ञानेन हीनाः पशुवे समानाः, इसका अर्थ है एसेंशियली नीड सिर्फ रोटी कपड़ा मकान में चलता नहीं है। ये है, ये जरूरी है शरीर के दृष्टि से। पैसा कमाया, घूमने के लिए भी गए, कहीं जा गए, अच्छा है, मगर एक जो सेकंड वाला है, मन है, उस मन के लिए एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए, उसके साथ साथ एनलाइटमेंट चाहिए। इस एनलाइटमेंट के लिए हम आपको बुलाए। अभी समझ में आए कि एंटरटेनमेंट तो हम कर रहे हैं। अब मैं जब बैठा ना, बड़ा सुंदर, मैं तो हमेशा ही रोज़ आता रहता हूँ, 2 साल में पोस्टिंग जब हुई यहाँ तो आता रहता हूँ, तो मैंने कभी देखा नहीं इतना लंबा है। फिर सोचा कि जब इन लोगों का कोई फंक्शन होगा, बस समय होगा और लंबा है, बहुत लोग आ सकते हैं, हो गया। मगर हमने चलो यहाँ सत्संग भी हो सकता है। मैं भी किसी के घर जाता हूँ ना, मुझे सन्यासी प्रवचन बोले हाँ यहाँ तो बढ़िया है सत्संग करने के लिए, इतना है। कहने का मतलब हमारा मन इंटरटेनमेंट करें, क्योंकि हमने चूज किया विवाह जीवन, हमने चूज किया गृहस्थ जीवन, हमारे अंदर वो भावना है, कामना है, फाइन, मना नहीं करते हैं गीता उपनिषद भगवान या ऋषि लोग, ऋषि लोग भी विवाहित थे। तो अगर किया है उसको चैनलाइज करना, इसका नाम ही मैनेजमेंट है। इसको चैनलाइज करना है, क्या है, इसीलिए उन्होंने सोचा, एक विचार करके 4 पुरुषार्थ दिया, वो मैं बताऊंगा। अब मैं इसको, इस पॉइंट को कंप्लीट करता हूं। तो मन के अंदर एनलाइटनमेंट, जो ज्ञान चाहिए, वो ज्ञान मन का ही एक अंश है जिसका नाम बुद्धि है। बुद्धि का नाम ही विवेक करना। मन के अंदर भावना आती है और बुद्धि के अंदर विचार आता है। जैसे आपने, आपको खबर दिया गया, SMS किया गया, कुछ लोगों ने, अम्मा डॉक्टर जी ने फोन किया, कुछ लोगों को बताया, और आपको तो पहले से भी पता भी है, आपका नाम क्या था, उनको बताया भी था, तो वो बाकी लोगों को भी पता था, क्योंकि वो आए थे आश्रम में। तो आप मन में रखा वहाँ जाना है। कुछ लोगों ने कहा हाँ जाएंगे, अगर टाइम मिलेगा तो जाएंगे, अभी देखते हैं, संडे है, बहुत काम है, अब होली का ख़त्म हुआ है, लोग भी आते जा रहे हैं। उन लोग भी मन में 3-4 भावना आई, फिर आए नहीं।
प्रायोरिटी इज डिफरेंट। आपने कहा चलो बुलाया है, नहीं तो फिर अगर डॉक्टर राज के मैं कैसे मुंह दिखाऊं बाद में, फिर डॉक्टर शशियाम बोले आए नहीं, फिर ये बात मुझे अच्छा नहीं लगेगा, चलो आ जाते हैं कुछ सत्संग भी सुन लेते हैं। तो मन के अंदर जब ये भावना आ गई और आप आ गए, तो आपके एक इंस्ट्रूमेंट जो काम कर रहा है मेरे बातों को सुनने के लिए, मन से सुनते हो और ग्रहण करते हो बुद्धि से, है कि नहीं? हाँ या ना तो बोलो। हाँ, तो मन लगा करके आप बुद्धि से सुनते हो, बुद्धि में मेरे जो प्रवचन है, मेरे जो तत्व है, मेरे जो कथा है, मेरे जो थॉट है, उसके आपकी बुद्धि में आ जाता है, उसका नाम है ज्ञान, उसका नाम है विवेक। तो ये जो विवेक होता है, तो ऋषियों ने कहा कि देखो कैसे विवेक करना है, ये एक विवेक का मेथड बताते हैं। अच्छा बताइए ना, हमारे अंदर जैसे आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चार प्रवृत्ति बोलते हैं, प्रवृत्ति माने एक्टिविटीज फैक्टर जीवन में, मनुष्य और पशु में, मनुष्य के बारे में कहते हैं चार प्रवृत्ति है सिर्फ मनुष्य का, उसको कहते हैं पुरुषार्थ। ये जो पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ चार में बांटा गया है, एक है अर्थ और एक है काम और एक है धर्म और एक है मोक्ष। ये सुना होगा जरूर आपने, आप मेरे बात थोड़ा बोलोगे, अर्थ, थोड़ा जोर से बोलो ना, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। नहीं तो क्या होगा ना, थोड़ा सा गर्मी लग रही है, थोड़ी छाए है और मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, फिर ये आहार निद्रा, निद्रा तक आ सकती है, थोड़ा धीरे से कर लेंगे तो, है ना? बोल सियावर रामचंद्र की। मैं यहाँ का जो हमारे सिख है, सत श्री अकाल, मैं बीच बीच में बोलता हूँ, क्यों? इसमें भी कितना सुंदर है, सत माने परमात्मा, सतनाम, श्री, श्री माने सौंदर्य, जो सुंदर है, अकाल माने अकाल स्वयंभु अजो नहीं, अर्थात वो जो अकाल है टाइमलेस है, इसका कोई अनादि और अनंत, उसे कोई नानक जी ने अकार कहा है, ठीक है? इसी कोई हिंदू धर्म में सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, अर्थात जो भगवान अकाल है, निर्गुण निराकार, वो ही राम बनकर के आए, वो ही कृष्ण बनकर आए, उन्हीं की कथा के माध्यम से उस परमात्मा तत्व को जानेंगे। अब हम थोड़ा सा विचार करें ना, मैं भागवत बोलता हूँ ना मैं रामायण कहता हूँ, मैं पूरा टोटल चिंतन कर रहा हूँ, क्योंकि समय मेरे पास कम है, 12-15 मिनट में कंप्लीट करता हूँ। चार चीजें, अर्थ, यहीं से मैंने शुरू भी किया था, अर्थ माने सिंपल अर्थ है मनी, अर्थ माने मनी, पैसा, रियली डेप्थ में देखेंगे तो सुरक्षा, सुरक्षा, उसके एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। बहुत भीड़ है, आप अपने जीवन में भी ट्रेन में जब जाते हैं, बच्चे ये से कहीं जा रहे हैं वैष्णव देवी, या अगर बद्रीनाथ जा रहे हैं, हेमकुंड साहिब जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, ट्रेन आपका रिजर्वेशन हुआ है, मेरे को बहुत भीड़ है, तो एक दोस्त मिला रही, वो आइसक्रीम खा रहा था गर्मी के दिन, और दो पकड़ा था, आपको मित्र है आपको तुरंत दे दिया आइसक्रीम खाओ, अरे बाबा अभी पकड़े मैं बैग पकड़ा हूँ, पत्नी ये है, बच्चे रो रहा है, अभी ये आइसक्रीम बाद में खाऊंगा, तुम आओ ना, तुम भी आओ, तुम्हारा सीट कहाँ है? फिर जब मिल जाते हैं, बैठ जाते हैं, रिलैक्स होते हैं, उसके बाद चल तुम्हारा आइसक्रीम दो, फिर खाते हैं, या कोई मीठा दिया खाते हैं। अर्थ क्या है? पहले जीवन में सुरक्षा चाहिए, पहले जीवन में कंफर्टेबल चाहिए, उसके बाद काम चाहिए भोग करने के लिए। अर्थ होता है द मीन्स ऑफ सिक्योरिटी, जैसे अभी आप सुनोगे, पहले मुझे बैठने दो ना स्वामी जी, मैं एक जगह पर बैठ जाता हूँ, फिर उसके बाद आप जो बोल रहे हो सुन रहा हूँ। कोई तुरंत भी खाने के लिए मुझे पहले आने दो, जैसे रास्ता में कोई आप खाओगे चाय पियो, ठहरे मुझे पहले बैठने दो, फिर बातें करते खाएंगे आराम से, बोलते हैं ना। जिसको जल्दीबाजी है ना, वो तुरंत बार बार खा के निकल जाता है। तो अर्थ जीवन में होता है, उसके बाद काम। कहते हैं ये जो अर्थ और काम, ये सुंदर है मगर ये बड़ा डेंजरस काम है। क्या? ये तुरंत मन को भड़काने वाला चीज है। कैसे ना, ये अर्थ और काम में एक
डीमेरिट है, क्वालिटी दे दिया गया है, जितना काम करोगे उतना बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। आप बोलोगे मेरे पास ना ओमेक्स में बहुत बढ़िया सुंदर बिल्डिंग होना चाहिए, 20 साल पहले सोचा था, हो भी गया, हो गया, आप रह रहे हैं, क्या मन शांत हो गया? फिर मन में और अच्छी, नहीं, अभी तो हो गया समझिए, मगर कार जो है ना वो पुराना है 20 साल का, फिर अगर नया कार लेंगे, हो गया नया भी कार ले लिया, फिर मन शांत हो गया? नहीं, अभी कोविड खत्म के बाद सोच रहा हूँ स्विट्जरलैंड जाऊँ। अच्छा, स्विट्जरलैंड जाके आ भी गए, फिर मन शांत हो गया? नहीं, बल्कि ज़्यादा अशांत हुआ। कैसे? अरे 5 लाख खर्च हो गया देखकर, कुछ फायदा नहीं है। बल्कि हमारे चंडीगढ़ के पास जो है ना, वो जो वो क्या है, हाँ वो बेस्ट है, उस आराम से 10-15 हज़ार में खर्च होकर आ जाता है, हमने सिर्फ 5 लाख गया। फिर अशांतस्य कुतः सुखम, मन अशांत होता गया। इसीलिए ऋषियों ने कहा क्योंकि अर्थ और काम को लगाम नहीं दिया तुमने। अच्छा ये बात है ना, हाँ तुमने कुत्ता तो रखा घर में मगर उसको छोड़ दिया, तो वो किसको काटेगा? फिर तुम्हारा ये जो चेयर है, जो सोफा है, उसको काट देगा। इसलिए वो क्या करना पड़ता है, उसको बांध करके रखना पड़ता है, उसको ट्रेन देना पड़ता है, उसको छड़ी देना पड़ता है। इसी का नाम है धर्म, समझ में? अर्थ और काम को थर्ड पुरुषार्थ में रखा गया धर्म। अगर धर्म नहीं होगा तो अर्थ और काम में मनुष्य इतना भोगेगा, इतना हैरान होगा, बस और करके दुखी होगा। स्वामी जी क्या आप हम लोगों के मन की बात कर रहे हो क्या? अगर आप लग रहा है आपको कि अर्थ और काम में आप जा रहे हो और आपके मन में अशांत है, इसका अर्थ है धर्म फैक्टर आपके जीवन में आया नहीं। अगर धर्म फैक्टर आएगा, अगर आ रहा है, उसको ले रहे हो, तो आप अब जी रहे हो, मगर आप उसको धर्म के फैक्टर को लेकर के चलते हो, और इसको चलना पड़ेगा। अगर मनुष्य के अंदर शांति चाहिए, मनुष्य को सुख चाहिए, तो वेद व्यास जी हाथ उठा करके जैसे बोलते हैं कि हस्त उत्ते लेने में बोल रहा हूं, मनुष्य को सुख कहाँ है? धर्म पालन में। सोचो, अर्थ और काम में नहीं है। अर्थ और काम एक इनेविटेबल नीड्स है, इनेविटेबल एसेंशियल नीड्स है, मगर ये लक्ष्य नहीं है। क्लियर? धर्म जब करोगे तो कैसे होगा ना, धर्म जब करोगे, धर्म के साथ काम, धर्म के साथ अर्थ, तो वो चैनलाइज हो जाएगा, और वो चैनलाइज हो करके तुम मोक्ष की तरफ बढ़ोगे, ज्ञान प्राप्त के बढ़ोगे। ऐसे करके 4 सिस्टम बताया। अब थोड़ा मैनेजमेंट के भाषा में मैं आपको बताता हूँ। एक होता है गोल ऑफ लाइफ और एक होता है गोल इन लाइफ। ये दो शब्द को बता करके विचार करेंगे। गोल ऑफ लाइफ माने क्या है? जैसे स्टार्टिंग में स्वामी जी गोल ऑफ लाइफ माने एक सक्सेसफुल पर्सन, एक समाज में एजुकेशन किया, इधर नौकरी किया या तो बिजनेस किया, इतने साल तक किया, घर भी हुआ एंड गाड़ी भी हुई, बच्चे भी हुए, सब अपने सेटल में है, इट इज कॉल्ड गोल ऑफ लाइफ। अगर गोल ऑफ लाइफ के साथ गोल इन लाइफ जुड़ा नहीं, तो दैट गोल ऑफ लाइफ में, क्योंकि गोल इन लाइफ नहीं तो जीवन गोल हो जाता है। समझिए क्या क्या शब्द बताए आपने, समझा ठीक से? गोल ऑफ लाइफ के ऊपर ही ध्यान दिया, गोल इन लाइफ को ध्यान नहीं दिया, तो गोल ऑफ लाइफ माइनस गोल इन लाइफ जीवन में गोल हो जाता है। कैसे? 3 एग्जाम्पल दूंगा। एग्जाम्पल वाकायदा सही है, कोई झूठा नहीं है। सुनिए, 2013 में एक IAS यंग लड़का मुकेश पांडे, आप गूगल में चला जाना, मुकेश पांडे IAS लिख देना, सब डिटेल आ रहा है। क्लियर? 2013 IAS बैच का हुआ, फिर बक्सर में, बिहार के बक्सर में वो IAS ऑफिसर बना, कलेक्टर DM हुआ डिस्ट्रिक्ट का, क्योंकि घर आसाम गुवाहाटी के आसपास था, गरीब के बच्चा था, पिताजी और माताजी को घर में लाने के रखना चाहता था,
आईएएस बनने के कारण बहुत बड़ा कोयला के बहुत बड़ा माने माफिया नहीं कह सकते धनी है जो ये उनकी लड़के के साथ विवाह हुआ। शी वॉज ऑल्सो एजुकेटेड, एक छोटी सी बेटी भी थी। बस प्रोफेशनल लाइफ तो अच्छा हो सकता है, धीरे धीरे पर्सनल लाइफ में, क्योंकि देखो पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम क्या होता है पता है? एक होता है, दो प्रॉब्लम है, एक होता है आई हैव नो प्रॉब्लम, आई एम द प्रॉब्लम, और एक दूसरा होता है यू हैव टू डील विथ डिफिकल्ट पर्सन एंड दैट बिकम्स ए मोर डिफिकल्ट। अपने पत्नी के साथ डील नहीं कर पाए, कहानी तो बहुत लंबी होगी। उसने गाजियाबाद के आसपास रेलवे स्टेशन के आसपास कोई ड्यूटी में गया था, कोई गेस्ट हाउस सर्किट हाउस में रहा, शायद 2016 या 15 में सुसाइड कर लिया। कौन डीएम, कौन कलेक्टर अपने जीवन में कितने स्कूल कॉलेज में गया होगा तो उसको आइकन माने होंगे बच्चे कि यहाँ पे कलेक्टर है सर, मुझे ऑटोबायोग्राफी दीजिए, वो दीजिए, और आज उसकी हालत क्या है? सुसाइड। चलो और दो कहानी बता के देन मैं इसको सारांश बताऊंगा। सेकंड है, आपको पता ही है, रेमंड के जो मेन है ना, विजय पथ सिंघानिया, वो प्रेसिडेंट थे, 1900 में शुरू किया, कितने हजार करोड़ का भी उसके टर्नओवर है। उसने क्या किया, अपने बेटे को गौतम सिंघानिया को दे दिया प्रेसिडेंट बना करके। ये भी यूट्यूब में जाना, सब स्टोरी मिलेगा। अब केस तक आ गया, उसने पूरा टोटल स्नैच कर दिया, पिताजी को ऐसे ही छोड़ दिया। पिताजी अभी रेंट में हैं, जितने लग्जरी है सब चला गया। अब हाथ में बैग लेकर के मार्केटिंग करना पड़ता है, हो गया। अब तीसरी कहानी, एक इसका भी आप देख सकते हो, आशा सटनी करके एक मुंबई में एक बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थी, उसका बेटा का नाम है ऋतुराज, उसको फॉरेन भेजा। बेटा फॉरेन में जाकर के क्या क्या शादी कर लिया, और उसके बाद आया नहीं वहाँ, शादी लड़की से शादी कर लिया, रह गया। और ये अकेली है, अकेली नौकर चाकर सब चोरी फोरी करके चले गए, रोग बस वो मर गई, स्केलेटन घर में पड़ा था। देखा कि कभी फोन किया तो माँ उठा नहीं रहे, तो शॉक हो गया और आया, तुरंत इंडिया आ गया। आकर के देखा, दरवाज़ा खोला तो वहाँ देखने के बाद क्या हुआ, नहीं है। ये तीन एग्जाम्पल्स में थोड़ा सा डिसेक्शन करो, चिंतन करो, तीनों में क्या है, गोल ऑफ लाइफ के दृष्टि से पूरा हाइट में आ गए हैं, मगर क्योंकि वैल्यू नहीं है। मुकेश के जीवन में वैल्यू नहीं हो पाया तो वो सेटल नहीं कर पाया। देखो एक मैनेजमेंट के इतने आईएएस ऑफिसर होकर के हाउ टू टैकल विद द वाइफ, हाउ टू टैकल विद द चिल्ड्रन, हाउ टू टैकल विद द लाइफ जान नहीं पाया, सोचा कि मैं मरूं। और उसने लिखा नोट्स में कि मैं किसी को दायित्व तो नहीं दे रहा हूं, मैं ही अपने जीवन में उब गया हूं। ऐसे कोई होता है? इसका अर्थ है लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ लाइफस्टाइल, गोले लाइफ जीवन में नहीं है। अब देखो इसका, रेमंड के विजय पंत सिंघानिया ने अपने बच्चों को ही संस्कार नहीं दे पाए, गोल ऑफ लाइफ के दृष्टि से इतने बड़े कंपनी खड़ा कर दिया, और वो गौतम जाके फॉरेन में विदेश में पढ़ाई करके आया और टेक ओवर ले लिया, सब स्नैच कर लिया, वो ऐसे बैठे हुए। इसका अर्थ क्या है, जीवन में, दोनों के जीवन में, बाप के जीवन में, बेटे के जीवन में, दोनों के जीवन में गोल इन लाइफ नहीं है। इंटरव्यू में देखो वो भी बढ़िया बढ़िया बातें बोलता है कि मैं प्रेसिडेंट के दृष्टि से बोलता हूं। उसके इसी ने पत्रकार ने पूछा कि तुम्हारा पुत्र के, नो नो नो, आई एम आस्किंग, आई एम टेलिंग इन द प्रेसिडेंट के हैसियत से, पुत्र का कोई वैल्यू नहीं, कोई संस्कार नहीं है, कोई मूल्य नहीं है, कोई मूल्यबोध नहीं है, कोई वैल्यूस नहीं है, कोई वर्च्यूस नहीं है। ऐसे अगर जीवन में होगा तो दुख तो हो गई, क्योंकि जीवन में धर्म नहीं है, जीवन में संस्कार नहीं है।
फिर थर्ड है वो जो मैंने बताया। तो कहने का मतलब जीवन हमें खाली, देखो जीवन में सब कुछ मिला, एक संत ने कहा जीवन में सब कुछ मिला, क्या वो मिला जिसके कारण जीवन मिला? जीवन में सब कुछ मिला, क्या नहीं मिला? दायद मिला, जमीन मिला, जायदाद मिला, घोड़ा हाथी घोड़ा सब कुछ मिला, मगर क्या वो मिला जिसके कारण जीवन मिला? वो मिला मैंने परमात्मा। क्या उस परमात्मा का साक्षात्कार हुआ? क्या वो परमात्मा को जानने के लिए इच्छा हुई जिसके कारण जीवन मिला हमको? ये जीवन का लक्ष्य। तो इसलिए अब इसी स्थान पर नीड ऑफ स्पिरिचुअलिटी आती है। इतना जो मैंने बताया, अब जीवन में केवल अर्थ और काम नहीं है, फिर स्पिरिचुअलिटी का दो भाग हो गया, एक होता है धर्म भाग और एक होता है दर्शन भाग। धर्म भाग में कि अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। अभी क्या है ना, माइंड सपोज सेट अपसेट है, यूपी एससीटी अपसेट, तो धर्म क्या करता है उसको उल्टा देता है, सेट अप, सेट अप। अच्छा अभी जो मन है ना, ये मन बड़ा बहुत चंचल है, चंचलम ही मन कृष्ण, मन चंचल है। मन उल्टा करो, मन को उल्टा करो ना, नम, इसका अर्थ है आप नमन करो, माथा टेको। इसलिए तो हम जब गुरुद्वार जाते हैं क्यों ये पहनते हैं, क्यों पहनना पड़ता है, क्योंकि ये सिर अहंकार का प्रतीक है, अहंकार के साथ नहीं चलता है। इसलिए सिख धर्म माने क्या, सिख माने क्या पता है, ओरिजिनल शब्द शिष्य, शिष्य से ही सिखा है, अर्थात जो पूर्ण समर्पण करता है गुरु को, जो पूर्ण समर्पण करता है भगवान को, वो है सिख। न मन, अब मन अगर हमारे अशांत होता है, मन अगर अपसेट है, तो सेटअप करने के लिए क्या मेथड है, नम, ये मेथड है। तो इसी के साथ बताया गया है जीवन में हमें नीड ऑफ स्पिरिचुअलिटी के लिए हमारे लाइफस्टाइल को जब हम चेंज करते हैं, समय निकाल करके देते हैं, मंदिर जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, इसी को कहते हैं धर्म। और जो विचार करते हैं, देखो विचार के जो धनी है क्या है पता है, उपनिषद। उपनिषद के ही सार में नानक जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है। अगर आप पढ़ोगे मूल, पहले उपनिषद पढ़ोगे उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ोगे, अरे ऐसे है? क्योंकि सब उपनिषद के ही सार है। जैसे जैसे अकाल, सत, सत की क्या परिभाषा है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सत? सत वो है जो तीन कालों में रहता है, त्रिकाले अपि तिष्ठति इति सत्यम, तीन काल में जो रहता है सत, अकाल। अजोनी, अजोनी माने जिसका कोई कारण नहीं है, जिसका कोई जन्म नहीं है, खुद अजन्मा, स्वयंभू, वो खुद बाकी सब जैसे ये पेड़ पौधे सब जन्म हुए, सबका ये संसार के कोई भी वस्तु है, बेटा भी है पिताजी से जन्म हुआ, खुद पिता अपने पिताजी से जन्म हुआ, और परमात्मा उसको कहते हैं जो कभी भी कहां से जन्म ही नहीं हुआ, अनादि अनंत। उस परमात्मा को, इस तत्व को जानने को स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, आध्यात्मिकता। और आध्यात्मिकता केवल एक सेक्ट के ही लोग विचार करेंगे नहीं, सब लोग विचार कर सकते हैं, ये सबके लिए लाइसेंस है। मनुष्य हो गया, मैंने मन हो गया करते वो आध्यात्मिकता कर सकता है, क्यों? क्योंकि उसके पास बुद्धि है। कोई कह सकता है स्वामी जी हाँ मेरे पास मन मन है मगर बुद्धि नहीं है, मेरे पास बुद्धि बुद्धि है मगर मन नहीं है, मेरे पास शरीर नहीं है, ऐसे कोई बोल नहीं सकता, क्यों? सबके पास शरीर है। कोई कह सकता है मेरी जीव नहीं है, उसको बोलते बदत व्याघात दोष, अर्थात कभी भी ये सेल्फ कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, तो शरीर भी है, मन भी है और बुद्धि भी है, इसको यूज करने के लिए धर्म आता है। इसलिए हमें अच्छा हुआ आप लोग इतने लोग आए, मुझे बहुत ही बेहद अच्छा लगा। अभी इतना ही रहता हूँ मैं, क्योंकि ओवर डोज होने से मुश्किल है ना, दो डॉक्टर है, इतना मेडिसिन इतना ही खाना है, और ज़्यादा ओवर डोज होगा तो फिर रिएक्शन होगा, तो इसलिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।
कभी भी मुझे आशा नहीं थी आप लोग इतने आओगे। दिस रियली आप लोगों के अंदर श्रद्धा भक्ति भाव है और डॉक्टर राज और डॉक्टर शशि के साथ आपका कितना बढ़िया संबंध है ये प्रमाण है। एंड इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ अगर और एक वन पॉइंट करके समापन करता हूँ। अगर आपके अंदर अच्छा गुण है, क्योंकि मन के अंदर दो गुण रहता है, अच्छा गुण है उसी दिन आपको कोई भी खराब नहीं कर सकता। अगर आपके अंदर खराब गुण है उसी दिन आपका दिन कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। विथ नेगेटिव वैल्यूज योर डे कैन नॉट बी अ गुड डे, विथ पॉजिटिव वैल्यूज योर डे इवन गॉड कैन नेवर मेक बैड डे फॉर यू। कितना चैलेंज वाक्य है। अगर आपके अंदर अच्छा गुण है, वैल्यूज है, वर्च्यूज है, तो उस दिन आपका खराब गुण नहीं होगा, खराब दिन नहीं होगा। अगर आपके अंदर खराब ही गुण है तब तो मुश्किल है। यही धर्म कहता है, यह अध्यात्म कहता है, यही गुरु लोग कहते हैं, यही संत कहते हैं, यही शास्त्र कहता है, तुम्हारे अंदर अच्छे गुण पैदा करो। ये अच्छे गुण है पांच पांडव के लक्षण है। युधिष्ठिर मन के शांत, जैसा अभी आप सुन रहे हो। अर्जुन भीम प्राणायाम कंट्रोल, अर्जुन सरल सिंप्लिसिटी। नकुल नकुल कुल माने भेद अभेद। सहदेव जो आपका मन अभी सहदेव देव के साथ सत्संग। दीज आर द फाइव क्वालिटीज। अगर 100 कौरवस होगा ना बैड क्वालिटीज वाइसेस दुर्योधन दुशासन तो अशांत रहेगा। कृष्ण किस पक्ष में रहेंगे? भगवान कृष्ण पक्ष में जाएंगे, पांडव पक्ष में। जहाँ मन अच्छा होता है, जहाँ वैल्यूज रहता है, वहीं पर ही भगवान आते हैं। अच्छा चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। किसी का अगर प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। पूछिए। स्वामी जी मैं पूछना चाहती हूँ, जो लोग मुझे कहते हैं कि अध्यात्म के लिए कौन सी उम्र है? कोई कहते हैं कि जब हम सारे काम से फ्री हो जाएंगे तब देखेंगे, अभी तो हमें बहुत कुछ करना है। और फिर कहते हैं कि भगवान की, हमारे मन में भी आता था कि भगवान की कृपा होगी तब आएंगे इधर, और अभी हमारा समय नहीं आया। तो आपसे जो है क्लियर करना चाहती हूँ कि कौन सा समय और भगवान की कृपा कब होती है। देखिए हमारे हिंदू धर्म में सनातन धर्म में बड़ा सुंदर बताया गया, इट इज़ नॉट ओनली वन सेक्ट के लिए है कि जब सीनियर सिटीजन बनेंगे, जब बुढ़ा हो जाएंगे तब हम अध्यात्म करेंगे, वो नहीं। हमारे बचपन से ही कहा गया है अध्यात्म जुड़ा रहता है। सोचो तो कि प्रहलाद एक अच्छा बच्चा बन पाता है क्योंकि माँ के गर्भ में जब प्रहलाद था तब नारद जी ने उपदेश दिया था, और अभिमन्यु युद्ध क्षेत्र में अंदर घुस जाता है क्योंकि अर्जुन ने जो सुभद्रा को कहा था माँ के गर्भ में, सुभद्रा के गर्भ में था वो, गलती क्या हो गई, सुभद्रा सो गई। इसलिए सत्संग में सो जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अर्थ ये है, कहने का मतलब हमारा जो धर्म है वो बचपन से ही है, उनको देने के लिए संस्कार है। इसलिए क्वेश्चन ये है, अगर कुछ लोगों का रहना है कि नहीं हम जब सब निपट जाएंगे तब आएंगे, बढ़िया है, आप निपट जाओगे फुल फ्लेज में आओ, मगर बचपन से ही अपने बच्चों को संस्कार सिखाओ। ये नहीं कहते हैं बच्चों को सिखा जाओ, बच्चा ए बेटा तुम ब्रह्म हो, तुम ये सब काम फाम छोड़ो, तुम ब्रह्म, वो नहीं बताना है, बल्कि बच्चे के अंदर संस्कार देना है। कि एक एक हमारे स्वामी शुभदानंद जी थे सिद्धवाड़ी के, बहुत ही श्रेष्ठ हमारे मिशन में संत, वो बड़ा सुंदर कहते थे क्योंकि पंजाब भी आते थे। कहते थे एक घर में मैं गया, कहीं लुधियाना हो या अमृतसर हो कहीं पर, वो नाम बोलते थे, एक घर में मैं गया, उस घर में मैं रहा क्योंकि 7 दिन जैसे प्रवचन होता था, मिशन नहीं है तो यहीं पर ही रहते थे। तो उसमें एक सुंदर बात है, प्रवेश करते ही करते ही एक नानक जी का एक मूर्ति है और गुरु ग्रंथ साहिब है और लिखा हुआ है ये घर नानक जी का है। तो वहाँ संस्कार है, दादाजी जब उठने के बाद वॉकिंग करने के लिए जाएंगे प्रणाम करते हैं नानक जी,
मैं वॉकिंग करने के लिए जाऊं, वहां कोई उत्तर नहीं दे रहा है, बगैर भावना है, फिर उत्तर आ रहा है मैं जा रहा हूं। उनका बेटा जब वो कारखाना या खेती में जा रहा है तो पकड़ करके मैं खेती जाऊं, वहां नानक जी उत्तर नहीं दे रहे, मगर एक संस्कार है। बच्चा आ रहा है, दौड़ दौड़ कर आ रहा है, नानक जी मैं स्कूल जा रहा हूं, इसका अर्थ क्या है? फिर वापस आते हैं, नानक जी मैं आ गया हूं, अभी मैं खाना पीना खाऊंगा, इसका अर्थ है घर आपका है, आपसे परमिशन ले रहे हैं और आपसे परमिशन लेकर अंदर जा रहे हैं। सोचो ऐसे परिवार में कभी झगड़ा होगा क्या? कभी झगड़ा भी होगा तो समाधान कौन करेंगे? कौन करेंगे? नानक जी, नानक जी के पास आ जाएंगे। और जरूर ऐसे जो संस्कार होगा तो नानक जी के जो बातों को जरूर अपने अंदर रखेंगे, और जो नानक जी के बातों को जानने के लिए किसी से, किसी गुरु से पूछेंगे तो उत्तर मिल जाएगा। इसको कहते हैं संस्कार। तो बचपन से हमें संस्कार देना चाहिए, वही संस्कार लेकर के धीरे धीरे जब समय मिलता है सत्संग करना है, अपने जो धर्म है जो स्वीकार करते हैं उसको पढ़ना है। तो जब पढ़ेंगे, इसलिए हमारे गुरु लोग कहते हैं जो गीता किताब है वो तुम अपने टेबल पर रख लो, कभी ना कभी उनका काम आएगा, कभी ना कभी वो पढ़ेंगे। तो वो संस्कार से धर्म में आएंगे, फिर धर्म से विचार के तरफ से जाएंगे। तो ये इसलिए ये कोई सेक्ट नहीं है कि ओनली उस समय कर सकते हैं, सीनियर सिटीजन रिटायर के समय करें, उस समय आप बताऊं शक्ति नहीं होती है। अभी ध्यान करने के लिए बोले बैठ नहीं पाएंगे, आप सोचो अगर मैं बोलूँगा आप नीचे बैठे, होगा नहीं, क्यों? अगर बचपन से कर लेते तो बढ़िया। अभी भी अनुपम खैर 67 इयर्स का है, मैं कहीं वायर में देखा कि कश्मीर फाइल होने के बाद बड़ा खुश से वो अपना बॉडी बिल्डर कर रहे, जिम में जा रहे, सोचो तो मेंटेन करके रखें। वो आध्यात्मिक है कि नहीं वो अलग बात है, मेरा पॉइंट है शरीर के लिए ये संस्कार धर्म ये बचपन से हो सकता है। जब बचपन से हम करते रहेंगे, बचपन में कोई अध्यात्म में ब्रह्म हूं वो नहीं करना है, संस्कार देना है, माथा टेकना, प्रणाम करना, मेडिटेशन करना, भजन गाना, ये संस्कार देते 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 जब जाएंगे तब तो कोई गुरुमुख से, देखिए आप लोगों के अंदर संस्कार है तब है ना, नहीं तो इनको ये तो बताया कि एक स्वामी जी आएंगे प्रवचन देंगे तो आपको पता है यहाँ कोई इंटरटेनमेंट नहीं होने वाला है, यहाँ वो कुछ बोलेंगे तो आपके अंदर वो संस्कार है तब आए, तो यही इसी को ही संस्कार कहते हैं। संस्कार बाद में अपने अंदर जब होता है ज्ञान बन जाता है। तीन इंग्लिश का बहुत सुंदर है, एक होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और एक होता है नॉलेज टेक्नोलॉजी, और एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी, केटी, टीटी, टीटी मैंने टेबल टेनिस नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, संस्कार ही ज्ञान बनता है और ज्ञान ही बाद में विजडम बन जाता है, अनुभव हो जाता है। थैंक यू। 11:30 बज गए, हाँ थोड़ा पास आ जाइए क्योंकि आपका क्वेश्चन मुझे सुनाई दे। कभी ध्यान में बैठे बैठे अगर निद्रा आ जाती है तो वो निद्रा का जितनी देर बैठे हैं उसका कुछ फल मिलता है या नहीं? आप पहले पास, वेरी गुड, और कुछ पूछना है तो उसके साथ पूछ लीजिए। ध्यान में बैठते बैठते निद्रा आ जाती है तो कोई ये स्वाभाविक है, क्योंकि निद्रा जब एक एक्टिविटीज वो मन की आदत है, जब मन शांत होगा तभी ही नींद आएगी, ये मन को 50 साल 60 साल से पता है। नींद के समय मन को शांत करना पड़ता है, जो मन अशांत है वो नींद नहीं आएगी। आपको पता है जब आपको साइन कुछ खबर मिल गया, कुछ ये हो गया, अब जो जिस समय आप सोते हो 10:30 11 बजे देरी हो गई, कुछ खाना अलग खा लिया, तो देखो ऑल दिस ऑर्डर होने से नींद नहीं आती है, आपका लाइफ नॉर्मल होने से नींद आती है। तो मन को एक आदत बन गई है कि मन जब शांत होगा, कैसे लाइट बंद, ये बंद, सब बंद, शोर होता है तो चिल्लाते हो आप, फिर अगर नोट फोट अगर कुछ काम है अभी बंद करो सो, अभी सो जाएंगे, इसका अर्थ है सब निवृत्त होगा, संन्यास लेगा मन, रिनाउंस करेगा, सैक्रिफाइस करेगा, नींद आती है। तो मन की एक आदत हो गई। अब जब मेडिटेशन करते हैं ना, मन सोचता है ये शायद नींद करवाने के लिए कर रहा है,
क्योंकि मन की आदत है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट का आदत है। जैसे ये है, मैं एक यूज़ कर रहा हूँ तो ये रेडियो का अच्छा अभी प्रवचन दे 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 मैंने दे सकते हैं, ये जो बोलेंगे मैं रिसीव कर सकता हूँ, क्योंकि उसका सेटिंग है। इसी प्रकार मन का सेटिंग हो गया कि मन जब शांत होता है सिर्फ एक ही चीज़ है, वो नींद आती है। तो जब हम प्रैक्टिस करते तो नींद आ जाती है ध्यान में। तो इसलिए क्या करना है, कंटिन्यूस प्रैक्टिस रखना है और मेडिटेशन के समय अवेयरनेस रखना है कि मैं सोऊंगा नहीं। और मेडिटेशन के समय में कोई थॉट फ्लो रखना है, थॉटलेसनेस नहीं, थॉट फ्लो। इसलिए मेडिटेशन का एक सिस्टम है, मैं अभी आप लोगों को मेडिटेशन एक कोर्स लेने वाला हूँ 7 डेज का, 1 आवर का, हम आप बता देंगे, आप लोगों को खबर दे देंगे, तो ये हम मिशन में ही लेंगे, तो आप लोग अटेंड कर सकते हो, तब आप जान सकते हो ये ओ दिस इज द प्रैक्टिस, देन आप घर में कर सकते हो। अभी आप जिस ढंग से आप कर रहे करो, पर्सनली आप मुझे फ़ोन करके कभी आओ, मैं और भी गाइड कर दूंगा। तो आपको क्या करना है, एक थॉट लेना है। जैसे एग्जांपल, अगर भगवान राम के मूर्ति है तो उनके बारे में सोचना है, उनका जो रूप है सोचना है, उनका जो मन है, जो नाम है वो नाम लेना है। तो मन को एंगेजमेंट देना है, मन को जब आप एंगेजमेंट करोगे तो नींद नहीं आएगी। थैंक यू। और आप जब ध्यान करते हो ना, तो थकान के साथ आप ध्यान मत करना, विशेष करके आप पूरा थक गए, ड्राइविंग किया 8-10 घंटा, ट्रेन में आए या कार में आए और अभी वॉश करना चाहते हो, बेटर डोंट डू। मॉर्निंग जब आप फ्रेश रहते हो एंड देन वहाँ 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, मगर वहाँ करो। और जब फ्रेश शाम को है, क्योंकि शाम तलक में समय में मनुष्य टायर्ड हो जाता है, इसलिए उसको ज़्यादा आप प्रायोरिटी मत देना, मेडिटेशन मॉर्निंग का देना, उसमें आप फ्रेश है, तो आप उसका फ़ायदा होगा। थैंक यू।